सब्सक्राइब कीजिए न्यू स्पेस चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, तो फिर मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। बैक साइड में है एक बोट का पोर्ट्रेट और कलर है ब्लैकिश। 10 रुपीज़ के इस डिज़ाइन के नोट के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से 10 रुपीज़ के नोट के डिज़ाइन में चेंज किया गया था, और नए डिज़ाइन में ऐसे 10 रुपीज़ नोट को इशू किया गया था जिसके बैक साइड में है 2 मोड़ के पोर्ट्रेट। लेकिन क्या RBI के तरफ से सिर्फ ऐसे 2 मोड़ वाले 10 रुपीज़ नोट ही इशू किया गया था, या फिर 1 मोड़ वाले, 3 मोड़ वाले, 5 मोड़ वाले नोट भी इशू किया गया था? तो आज की इस वीडियो में जानेंगे फुल डिटेल्स इस मोड़ वाले 10 रुपीज़ नोट के बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कॉइन्स और नोट से रिलेटेड वीडियो मैं एवरी डे शाम 7:30 बजे अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, 10 रुपीज़ के ऐसे मोड़ वाले नोट RBI के 6 अलग अलग गवर्नर के सिग्नेचर में इशू किया गया था। सबसे पहले गवर्नर थे एस जगन्नाथन, उसके बाद KR पुरी, एम नरसिम्हम, IG पटेल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और RN मल्होत्रा। और हमारे भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से इस 10 रुपीज़ नोट के बैक साइड में सिर्फ 2 मोड़ वाले नोट ही इशू किया गया था। 1 मोड़ वाले, 3 मोड़ वाले, 5 मोड़ वाले नोट की वीडियो शायद आप देखे होंगे, और उनका प्राइस 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख शायद आप बताया होगा, लेकिन वो सारे नोट फेक है। सिर्फ 2 मोड़ वाले नोट ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से इशू किया गया था। और 2 मोड़ वाले इस 10 रुपीज़ नोट की किसी भी गवर्नर के सिग्नेचर में एक सिंगल नोट का कीमत एक्स्ट्रा फाइन टू UNC कंडीशन में 20 रुपीज़ से 40 रुपीज़। लेकिन अगर नोट में कोई फैंसी सीरियल नंबर है 786786 है, या फिर 786000 है, या फिर 000786, ऐसा कोई फैंसी नंबर है, तो इस नोट का कीमत और भी ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से बैक साइड में 2 मोड़ वाला 10 रुपीज़ नोट ही इशू किया गया था। 1 मोड़ वाला, 3 मोड़ वाला, 5 मोड़ वाला नोट असली नहीं है। तो आज का ये छोटा सा जानकारी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर लिखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।